33,000 वोट था तब भी मैंने बीजेपी को यहां से जीतने नहीं दिया। आप लोगों ने 2014 में कश्मीरी गुजर 4,000 वोट दिया आपने बीजेपी को 2014 में, सरूडी की शरारत जो थे मैंने 15,000 उधर से हिंदू का वोट काट के सरूडी साहब को दिया। मैंने कहा तारक कैन साहब तेरा खाता नहीं इधर, तू बदतमीज नुमाइंदा, हमारे कौम को बदतमीज नुमाइंदे नहीं चाहिए, यहाँ शरीफ चलेंगे, यहाँ शरीफ लोग रहते हैं, यहाँ शराफत चाहिए। तो जनाब आली तब भी मैंने सरूर साहब को जिताया। फिर मैं जब जाने लगा मैंने कहा ये मेरे गरीबों के काम करो, ये मेरी कम्युनिटी का काम करो, यहाँ कुछ नहीं मांगते हैं ये, कहीं हस्पताल कहीं डिस्पेंसरी कहीं स्कूल, कहता ये टीके वाले ये संघ के लोग होते हैं, ये हरामी होते हैं। मैंने कहा मैं भी एक हरामी हूँ जो तुझे इतने वोट जमा करके देता है। चलो लास्ट पे मैंने बोला सूर साहब इस नियत से आप हार जाओगे। कहता हराने वाला कोई आया है नेवाल में? मैंने कहा यार कोई गरीब माँ ने कोई बेटा देता क्यों? कहता तू लड़ेगा? मैंने कहा वक्त फैसला करेगा। MLA ही था मैं पोथी से निकला, तो मैं पहले गया अपने गाँव में क्योंकि 6,000 वोट है मेरा उधर, मेरी सारी कम्युनिटी मिला के वहां 6,000 वोट है। मैंने उनको पूछा अगर मैं आपकी खिदमत करने उठू क्या फैसला है आपका? उन्होंने कहा आप इलेक्शन लड़ोगे, आप तो स्टेज पे चढ़ते ही नहीं थे। मैंने कहा ये हथियार मैंने छुपा के रखा था इस्तेमाल के लिए, आज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, अगर तब बकबक की होती मैंने आज मेरी कदर नहीं होती। मैंने कहा इस हथियार को छुपा के रखा था, आज टाइम आया इस्तेमाल करने का। उन्होंने कहा हम पूरे 6,000 वोट आपके साथ खड़े हैं। फिर तो चिंगाम भी मेरा घर है, छात्र मलकनाड, कल वीडियो आपने मलकनाड की देखी होगी, जिन जिनको नेट चलता है 6 महीने से ट्रांसफार्मर नहीं चलता था, बिजली वाले बोलते थे हम 10,000 देंगे, तो भेजना कहाँ था? मेरा बशीर दोस्त जहाँ रहता सुमनवार साहब पे, मजदूर बोलने लगे हमें 25,000 चाहिए। मैं जब गया मैंने कहा तो मैं रोजदारी में बगैर लाइट के मैं रहने नहीं दूंगा, मैं पहले लाइट लगाऊंगा फिर आपके रोजे होंगे। तो मैंने कल ट्रांसफार्मर अपना खर्चा देके 20 से 25,000 लेबर को दिया, ट्रांसफार्मर लगाया, रात को बिजली जब जली में सामने हो तो मैं खुश हो गया कि माह रमजान में कोई ना कोई मुझे दुआ करेगा कि ये बिजली किसने पहुंचाई है। आप फिक्र मत करो, सिर्फ दफनी वाले बड़े आएंगे। एक चैलेंज करता हूं मैं सबको, ये सबको मैसेज है मेरी तरफ से कि जो बंदा आज मेरे साथ चलता कहीं मेरे वर्कर आज घर में है, कहीं मेरे वर्कर आज कहीं काम पे हैं, वो ऐसी बात नहीं है, जितने आप यहाँ उतने और वर्कर हैं हमारे सारे, लेकिन